जब भी कोई लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं सीखना, उस लैंग्वेज में जो सबसे पहला चीज़ होता है वो होता है अल्फ़ाबेट। एस मत लगाइएगा क्योंकि अल्फ़ाबेट्स लिख दीजिएगा गलती से। आप कहेंगे खाली एस लगा दिए ना सर, खाली एस तो छोटा सा तो गलती किए हैं, खाली इतना गलती करने से इसका मीनिंग चेंज होकर हो जाएगा लैंग्वेज। और अल्फ़ाबेट बोलते हैं तो ए बी सी डी होता है, कहाँ तक, जेड तक। एस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, हिंदी इज अल्फाबेट्स, ए बी सी डी इज अल्फाबेट। बात समझ में आ रही है? टोटल कितने लेटर्स होते हैं इसमें जी? आवाज कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, एक बच्चे का आवाज आ रहा है, एक बच्ची का आवाज आ रहा है, बाकी सबका आवाज नहीं आ रहा, नहीं सुनाई पड़ा, सुनने लायक बोलो, नहीं बोलता वही सब बच्चा को याद नहीं रखता, एकदम स्ट्रिक्ट है इस मामले में। 26 लेटर्स हैं, 26 लेटर्स को जब हम कंबाइन करते हैं बेटा तब बनता है वर्ड्स। क्या बनता है? वर्ड्स। और वर्ड्स की संख्या कितनी है बेटा? 6.2 मिलियन। यदि इंडियन काउंटिंग में कीजिएगा तो 62 लाख वर्ड है, ठीक है। वर्ड्स जैसे राम है, ईज है, ईट है ना, बेंच है, डेस्क है, ऐसे अंग्रेजी में कितने शब्द हैं? 62 लाख। एक एक शब्द एक एक आदमी को रिपीट करना है मेरे साथ एकदम, ठीक है। कि 62 लाख वर्ड्स किसी को भी पॉसिबल नहीं कि पूरा याद रखे, ये बोल रहे हैं कि मुश्किल होगा, बोल रहे हो ही नहीं सकता, दिमाग की क्षमता से बाहर चला जाएगा। क्लियर है बात? एकदम एबीसीडी से शुरुआत की है, वहीं तक तुरंत पहुंच जाएंगे, लेकिन इस बार माफी नहीं होगा। क्लियर है बात? 62 लाख शब्द हैं, कोई दिक्कत किसी को? अब समझो ये 62 लाख शब्द जो है बेटा, इनको 8 कैटेगरी में बांटा गया है, 8 कैटेगरी में। कितने कैटेगरी में बांटा गया है बेटा? 8 कैटेगरी में बांटा गया। ये 8 कैटेगरी कौन कौन है जानते हो? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स। हाँ अब याद आएगा थोड़ा थोड़ा, एडवर्ब्स, बोलो बेटा आर बोलो, कंजंक्शंस, प्रीपोजिशंस, इंटरजेक्शंस। और ये जो मेरा गुस्सा है, ये मेरा गुस्सा गुस्सा सिर्फ इस वजह से है कि माँ बाप पैसा लगा रहा है और आपका टाइम लग रहा है। 5 रुपया दिया हो, चाहे 5,000 दिया हो, चाहे 5 लाख रुपया दिया हो, रुपया देते समय कितना मुश्किल से कमाया उसको आंख लगता है, तो सोचता है कि चलो इसके बदले मेरा बेटा बेटी का जीवन अच्छा हो। बात समझ में आ रहा है? उसको समझो, दिमाग में पढ़ाई को रखो, रिवीजन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, नहीं तो बेटा तेज नहीं होगा, कोर्स करने से कोई तेज नहीं होता। कोर्स करने से एक भी बच्चा दुनिया में तेज नहीं होता। आप बहुत सारे बच्चों को देखे होंगे, कोई ट्यूशन नहीं पढ़ता तेज हो जाता, ऐसे बच्चों से मिले कि नहीं मिले, है ना? क्यों तेज हो गया? क्योंकि उसने पढ़ाई किया। तो आप पढ़ाई करने से तेज हो गए, ट्यूशन कोचिंग से पढ़ने में मदद करने के लिए, पढ़ाई तो आप ही को करना पड़ेगा। बात समझ में आती है? जैसे घर में दाई नौकर लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, तो उसके बदौलत घर छोड़ दे सकते हैं क्या? नहीं, वो आपको मदद करता है, उसके भरोसे पे घर छोड़ दिया तो लूट के लेके भाग जाएगा, है ना? तो कोचिंग ट्यूशन उसी तरह से एक मददगार है, आप उसके भरोसे अपना जीवन छोड़िएगा तो आपका जीवन लूट के लेके भाग जाएगा कोचिंग वाला। बोले आप ही पढ़ा रहे, कोचिंग आप ही बात बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं, सच्चाई है। तुम देखो कोचिंग कितना कितना पैसा लेता है, लूटता है कि नहीं लूटता है? यहां देखिए तो फिर भी कम, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर और देखिए, मेडिकल इंजीनियरिंग यूपीएससी के नाम पे लाखों लाख रुपया लेता है कि नहीं लेता है? अब देखिए हम तो, तुम तो 500 रुपया दिए हो, 2.5 लाख रुपया लगता है यूपीएससी का तैयारी का, 2.5 लाख रुपया एक बार में ले लेता, कहता कोई किस्त उस नहीं लेंगे, लेता कि नहीं लेता बेटा? अब कोई बच्चा ही बोलेगा तो 2.5 लाख रुपया दे दिया, क्या दिक्कत है? तो तुम्हारा तो बंद हो गया, ये यूपीएससी हो जाएगा क्रैक, नहीं बर्बाद हो जाओगे, पैसे हो गया टाइम हो गया, हाँ कि नहीं? पढ़ना पड़ता है बेटा। ये मेरा जो नाराजगी है इसको आप ऐसे देखिए कि हम आपके पिता के बुढ़ापे के लिए चिंतित हैं, आप सेटल नहीं हुएगा तो उनका बुढ़ापा बेचारा का नष्ट होगा और अपना जवानी का सारा कमाई आप पे लुटा रहे हैं, ना सोचिए। इसीलिए हमको तनाव होता है कि तुम लोग कुछ नहीं सोच रहे हो, तुम लोग खाली अपना सोच रहे हो कि हम लोड नहीं लेंगे, ये गलत बात है बेटा।
यकीन वो मानो कि तुमको नए मिलेगा टीचर ऐसे करके ध्यान देके पढ़ाने वाला, वो पैसा लेगा कोर्स कंप्लीट करा के आगे बढ़ते जाएगा, क्यों माता पच्ची करेगा यार। ठीक है बेटा, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज अपने जीवन के लिए सोचिए, अपने बाप के बुढ़ापा के लिए सोचिए, बेचारा अपना पूरा जवानी आप पर समर्पित कर रहा है, इतना ज्यादा मोहब्बत और प्यार कोई किसी से नहीं कर सकता जितना माँ बाप अपना बेटा बेटी से करता है, अपना पूरा युवावस्था लुटा देता है आपका, आपका जरूरत पूरा करने पर, आपका सपना पूरा करने पर। आप लोग पढ़ाई दिमाग में नहीं रखते हैं, यदि वो स्थिति बाप बैठ के यहाँ देख लो उसका आत्मा रो देगा, भाई साहब कहीं कौन कुबाड़ है, कहाँ से हम लाते हैं खट मर के पैसा, फिर उसको समझ में आता है। आप सब यकीन मानिए आपके बाबूजी देख लेंगे तो अंदर से कुहक जाएंगे एकदम बेचारे, आपके मतलब किसी के भी बाबूजी स्थिति देखेंगे उनके बारे में सोचिए, मेरा मत सोचिए, ठीक है सर को बुरा लग लगे भाड़ ले जाओ, लेकिन उनका बारे में तो सोचिएगा ना, वो तो आपको जन्म दिए हैं, अपना पूरा जीवन दे रहे हैं, दे रहे हैं कि नहीं दे रहे बेटा, तब देख लीजिए हम पढ़ा देते हैं, फिर से टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है, लेकिन गड़बड़ नहीं कीजिएगा इसका, ठीक है ना, तुरंत पहुँचा देंगे वहीं, मत सोचिए कि टाइम पाएंगे, पहुँचा देंगे वहीं, कोई दिक्कत है। देखो बेटा इतना 8 भाग में बांटा गया, ठीक है, ये 62 लाख शब्दों में से बेटा 3000 वर्ड्स ऐसे हैं जो हर हालत में हर इंसान को जानना पड़ेगा, बात समझ में आ रही है, इनको कीवर्ड्स कहते हैं, कि अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो 3000 वर्ड्स जानिए। बोलिएगा कि सर कौन से 3000 वर्ड है, तो देखिए हम आपको यहाँ दिखा भी देते हैं कि 3000 वर्ड्स का कलेक्शन है जो इस कोर्स में हम आपको पढ़ाएंगे, हर हालत में पढ़ाएंगे, समझ गए बेटा, देखिए जरा से इसको देख लीजिए, आप मेरे डांट पर जाइएगा तो आपको खाली आदमी दिखेगा विलेन, और आप मेरे फीलिंग्स पे जाइएगा तो लगेगा कि इससे बढ़िया कोई इंसान आपको मिल नहीं सकता है, ठीक है, यही है बेटा, टोटल 53 पेज का है, बोले तो पढ़ाएगा हम पढ़ाएंगे किसी को, ठीक है, जब हम बोलते हैं इतना चीज पढ़ाएंगे तो पैसा में मत दीजिएगा, पैसा जो बोला गया बस उतने है, उसे 1 रुपया फालतू नहीं लेंगे, चवन्नी नहीं लेंगे, बात समझ में आ रहा है, तो हम जब पढ़ाने लगते हैं तो पैसा नहीं रहता है दिमाग में, लगता है कि बस पढ़ाई कितना अच्छा से अच्छा हो जाए बच्चों को, ऐसा 53 पेज है, दिया 53 देख रहे हैं यहाँ पर, पूरा हम 53 अभी चलाएंगे नहीं, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लगाया हुआ सी है, इसके पहले देखिए बी है, इसके पहले देखिए ए है, ठीक है, इधर तो ऐसे पर्चा है कि ए है ना, इसे जेड तक है बेटा, और सारा सिखाएंगे हम आपको एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से चल ही रहे देखो, है ना, 3000 वर्ड ऐसा है जिनको कीवर्ड बोलते हैं, और हर एक इंसान को सीखना जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों, जो अंग्रेजी सीखना चाहता है, समझ में आ रही बात, वो चाहे 10th के लिए हो, चाहे 8th के लिए हो, चाहे 12th के लिए हो, चाहे एयरफोर्स के लिए हो, चाहे ये एकदम हर हालत में इतना जरूरी है, चाहे बैंक के लिए हो, चाहे SSC कुछ के, इंग्लिश है तो इतना चाहिए, बात समझ में आ रहा है, अब इतना तक तो क्लियर हो गया बेटा, अब वर्ड्स को मिला देंगे तो बेटा बन जाएगा सेंटेंसेस, क्या बन जाएगा बेटा सेंटेंसेस, जब सेंटेंस की बात करते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, तो किसी भी सेंटेंस में 3 चीज होता है बेटा, कम से कम, इससे ज्यादा भी चीजें हो सकती हैं, 3 चीजें जरूर होती है बेटा, ठीक है, एकदम पहला दिन से पढ़ा रहे बेटा, ठीक है, क्या बोले लोग थैंक यू बोल दो या तुम लोग इसको थैंक यू बोल दो, क्या बोले पता नहीं, आगे हम ऐसे चेक कर लिए कि पता नहीं क्या है, ये लोग का दिमाग में चल रहा है ना, अब सबके सब पास कर गया धड़ाधड़ फ्लाइंग कलर्स के साथ, अब बताइए वर्क का मतलब क्या होता है बेटा, बताइए वर्क का मतलब होता है काम, वर्क का मतलब क्या होता है बेटा, जिसको आप वर्क बोलते हो ना आम बोलचाल की भाषा में, इसको काम या वर्क या एक्शन कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, काम या वर्क या एक्शन कहते हैं, याद आ रहा होगा ये सब चीज नहीं पढ़ाए हम आपको, अच्छा पढ़ाए हैं, बताओ मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं इसमें वर्क क्या है बेटा, बोलना वर्क, काम है वही है ना, आप हमसे सीख रहे हैं सीखना, राइट, तो वर्क पहचाना बहुत कठिन काम है क्या बेटा, अगर हम अंग्रेजी में कुछ सेंटेंसेस बोलते हैं है ना, यू आर लुकिंग एट मी, लुकिंग आवार भर्ब है कि नहीं है, बोले सर आपको कोई काम नहीं है सर, फिर भर्ब कैसे हो गया, सवाल ही उठता है ना,
हाँ वर्ब में एक कैटेगरी होता है बेटा, उसको कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। क्या कहते हैं बेटा? ऑक्सिलरी वर्ब। स्पेलिंग याद रहेगा? कैसे करेंट तक बेटा? झूठा देखते देखो, बोले दो पॉइंट का है दिया सर, इसमें दो भाग होता है, एक वो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होता है, इसमें इज आर एम वाज वेयर, समझ रहे बात, हैज हैव हैड, फिर डू डज और डिड। बात समझ में आ रही है? जरा देखिएगा, इज आर एम वाज वेयर हैज हैड डू डज और डिड, टोटली 11 को हो गया होगा कि नहीं, तो हो गया ना। अब देखिए दूसरा का जो बोल रहे हैं उसको मॉडल कर रहे हैं, वी ऑक्सिलरी वर्ब है, कैन कुड मे, हाँ याद है तो बोलो, माइट बोलो, और शैल शुड विल वुड है ना, यूज्ड टू आउट टू यूज्ड टू आउट टू है ना, हाँ ना बोलो, बोल देगा हाँ ना। वाह क्या बात, वाह क्या, थोड़ा सा दस्ता देते ऊपर जगह बन जाएगा है ना। Out to, need not, dare not, और क्या बोलेंगे बेटा, must बोलेंगे। बस समझ में, इस सब भी verb, इस सब याद रखना पड़ेगा क्योंकि इससे किसी काम का बोध नहीं होता, ये सब auxiliary verb है। और total संख्या auxiliary verb का होता है बेटा 24, total कितना होता है 24। 24 में कैटेगरी बना हुआ, पहला कैटेगरी में 11, दूसरा कैटेगरी में 13 है ना, 13 वाला को मॉडल वर्ब कहते हैं, 11 वाला को प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, याद रहेगा ना, है ना। इसके अलावा जो बच गया जिसको हम काम बोल रहे हैं, एक्चुअली वो सब मेन वर्ब होता है, वो सब क्या होता है बेटा, मेन वर्ब। और इसके आगे जुड़ता है ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब टेंस के हिसाब से जुड़ता है, आगे बताएंगे, थोड़ा सा पेशेंस। तो वर्ब क्या है पहले ही समझ में आया सबको है? अच्छा बताइए, तो अगर हम बोलते हैं कि आई एम टीचिंग इंग्लिश, इसमें वर्ब क्या है? टीचिंग के एम टीचिंग, एम टीचिंग बोलने का है ना। आई हैव लर्नड इंग्लिश, इसमें बताइए बेटा, हैव लर्नड है ना। अच्छा यू विल स्पीक इंग्लिश, इसमें विल स्पीक, अच्छा यू विल स्पीक इंग्लिश में विल स्पीक तो वर्ब हो गया बेटा, सब्जेक्ट कौन है बुआ? यू, काम करने वाले आदमी को ही क्या कहते हैं बेटा, सब्जेक्ट। कितना आसान चीज हो, याद रहेगा बेटा। अच्छा बताओ बेटा कि टेंस सब्जेक्ट पे लागू करोगे कि वर्ब पे लागू करोगे? वर्ब है ना। जैसे कैसे टेंस हमेशा इस पे लागू होता है बेटा, टेंस किस पे लागू होता है? इस पे लागू होता है। और सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाला को, काम करने वाला जो भी आदमी रहेगा उसको क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे। हाँ कि ना बोलो बेटा, एकदम घबराओ नहीं, घबराहट आ रहा है मन में, डर आ रहा है मन में, मेघा जी आपको बेटा, ऋषु डरो, ठीक है। और नोट्स आपको डेली कल से चेक कराएंगे, क्योंकि आपको लगता है कि आप लोग प्रिपेयर नहीं करते हैं जिसके कारण रिवीजन नहीं होता आपका, तो कल से आप हम लोग डेली एक बार आज का पढ़ाई का कल चेक करा लीजिएगा कि सर बन गया, ठीक है। ज्यादा होमवर्क दे रहे हैं, ज्यादा होमवर्क दे रहे हैं है? नहीं ना, ठीक है बेटा। अब हम कुछ लिख रहे हैं, लिखें कि ना लिखें, आई टीच इंग्लिश है ना। अब देखो हम बोल रहे हैं आई एम टीचिंग इंग्लिश, आज हो जाए आज जैविक, आई हैव टॉट, वाह भाई साहब वाह क्या बात है, वाह क्या, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। हमने कितने सेंटेंस लिख दिया बेटा, चार लिख दिया, शाबाश। अब जरा देखिए तो चारों में खाली यहां पर आपको फर्क दिखेगा, जहां जहां हम अंडरलाइन कर रहे, देखिए वही दिख रहा है ना वर्ब, इस सब क्या है, वर्ब है हाँ ना, देखो वर्ब है ना, देखो तो बेटा ये सब सब्जेक्ट है, देखो तो बेटा
देखो बेटा बउआ बचवा है कि नहीं है? अच्छा ये जो फर्क दिखा इसमें कुछ नाम होगा इसका, इसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट, इसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हाँ या ना बोलिएगा, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? अच्छा बेटा ये सब तो टेंस का नाम है ना बाबू, टेंस बदलते चला गया तो बदलाव कहाँ आया, सब्जेक्ट में आया कि वर्ब में आया कि ऑब्जेक्ट में आया? खाली वर्ब में आया ना, तो हम तो अभी वही बोल रहे थे ना बेटा कि टेंस का असर सिर्फ वर्ब पर होता है, यानी टेंस लागू सिर्फ वर्ब पर होता है, उससे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ रही है? अगर कहीं भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य लिखा है तो उसमें वर्ब या तो V1 होगा या तो V5 होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य लिखा है तो उसमें वर्ब इज आर एम के साथ V4 होगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है तो हैज हैव के साथ V3 होगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लिखा है तो हैज हैव प्लस बीन प्लस V4 होगा। उल्टा भी समझ सकते हो कि अगर V1 V5 लिखा हुआ है तो कौन से टेंस का वाक्य है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अगर इज आर एम प्लस V4 लिखा हुआ है तो कौन से टेंस का वाक्य है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। अगर हैज हैव प्लस V3 लिखा हुआ तो कौन से टेंस का वाक्य है? प्रेजेंट परफेक्ट का। हैज हैव बीन प्लस V4 लिखा हुआ है तब इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को नहीं देखना है, खाली देखना किसको है? वर्ब को। अगर कोई भी आपको कह दे कि टेंस पहचान के बताओ तो आप किसको देखोगे? वर्ब को देखोगे। किसको देखोगे बेटा? वर्ब को देखोगे। हाँ या ना? अगर किसी ने भी आपको कह दिया कि सर टेंस बताइए बाबूजी इसका, तो आप कॉल कीजिए किस पे? वर्ब पे। इसमें से जैसे जैसे वर्ब नजर आ जाए टेंस रहे। अब ये दूसरा चीज याद रखिए कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है तो हिंदी में जनरली आप अंत में क्या है देखेंगे? रहा है नहीं। इसमें क्या देखेंगे? रहा है नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? इसमें क्या देखेंगे? चुका है चुकी। और इसमें क्या देखेंगे? ता रहा है या ती रही है। हाँ या ना? मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत सिंपल है। जैसे अगर हम बोल देते हैं, समझो मेरी बात, कि माई फ्रेंड लर्न्स इंग्लिश, तो टेंस बताओ प्रेजेंट इंडेफिनिट। सो सिंपल है ना। आप बोलेंगे उसका हिंदी करो, क्या बोलोगे? लर्न का मतलब क्या होता है? सीखना। अब ताहेती है लगा के हिंदी करो, माय फ्रेंड लर्न्स इंग्लिश, ताहेती है लगा के कर तो क्या बनेगा बोलो? सीखता है। कितना आसान हो गया? हाँ या ना? अगर हम बोलते हैं माय फ्रेंड हैज लर्न्ड इंग्लिश, अब बताओ कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट है। अब उसके हिंदी में क्या लिखाओगे? तो इसका हिंदी करके बताओ, सीख चुका है, है ना? या है चुका है चुकी है कि जगह आप चाहें तो या है ई है भी लगा सकते हैं। तो अब आप क्या बोलिएगा इसमें? इस तरह से हिंदी कर, मेरा दोस्त इंग्लिश सीखा है या सीख लिया है। हाँ या ना? समझ में आ रही है बात? ये चार टेंस प्रेजेंट का हमने आपको परिचय करवाया, लेकिन ये तो लगा रहेगा लिखा रहेगा तब ना। सपोज आपको एक कहानी लिखने के लिए कर दिया जाए तो कहानी में कौन सा टेंस लगाइएगा? की वाला लगाइएगा? की वाला, ई वाला, ई वाला, कौन लगाइएगा? ये भी तो एक झमेला है। अगर आपको हिंदी दिया हुआ है, मान ले हम बोलते हैं कि वह फुटबॉल खेलता है, कौन से टेंस का वाक्य? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब अंग्रेजी बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, वह, ही, है ना? अब फिर क्या लगाएंगे? वर्ब है, तो वर्ब में या तो V1 या तो V5। नहीं पता तो पूछ लो मास्टर से, सर ही लगल है तो V5 लगा दे कि V1 लगा दे, क्या लगा दोगे बताओ? V5 लगा दोगे, तो ही प्लेज फुटबॉल क्रिकेट जो भी है। बन गया कि नहीं बन गया? कब? जब तुमको हिंदी दिया हुआ है। लेकिन सोचो बेटा, जब तुम कोई एसे लिखते हो, कोई पैराग्राफ लिखते हो, कोई लेटर राइटिंग लिखते हो, क्वेश्चन आंसर लिखते हो किताब का, हाँ या ना, तो तुमको हिंदी कोई देता है क्या? नहीं, वहां आप
अपने से सोचना पड़ता है, हिंदी भी और अंग्रेजी भी। तभी सोचना पड़ता है आपको बेटा कि कौन सा टेंस लगाएं, बोलो हाँ कि ना। तो हिंदी रहता तब तो हम इससे पहचान लेते कि वाला टेंस लगेगा। तो यहां तो चुट्टा कहेगा हिंदी नहीं दी इससे मास्टर साहब, सही है ना, सही है ना। यहां सर की बोले कैसे मास्टर साहब तो मेरा चलते रहता है मस्ती उस पे, उसे एंजॉय करो और फिर पढ़ाई पर आ जाओ। हाँ कि ना, वो तो हिंदी देता है कि सोशल साइंस का हिंदी लिख के दे दिया कि अंग्रेजी कर ले। क्या है बेटा इसका कोई मास्टर क्लास है सर? इतना अच्छा मास्टर कहाँ मिलता है सर? तो रखिए होगा स्टैनफोर्ड में कोई मास्टर साइंस वाले नहीं, हिंदी वाला खुद ही सोचो, हिंदी भी खुद ही सोचो। नहीं तो तुम जवाब कहाँ से लिखता था? अंग्रेजी जो जवाब लिखोगे या तो रटोगे जवाब है? अच्छा तो समझाने में दिमाग में अंग्रेजी रहता था कि हिंदी रहता था? हिंदी तो समझाते थे और करते थे, है ना। तो हिंदी होती है कि आपने दिमाग पैदा किया? चलो कंफ्यूज जाती है, उत्कर्ष को हिंदी दिया गया प्रश्न का हिंदी दिया गया लिखो हिंदी होता है अगर तुमको एसएसटी का आंसर लिखना है तो तुम इसके छोटे भाई हो, थोड़ा सा कंफ्यूज थोड़ा तुम गलती ज़्यादा लगता है। ऋषु तुमको मिला है कोई एग्जाम में कि क्वेश्चन आंसर हिंदी में लिखा हुआ आंसर दे दिया हो कि तुम अंग्रेजी कर लो? क्योंकि मेथड जो है पढ़ाई का तभी कारगर होगा जब आपको हिंदी दिया रहेगा। यहाँ तो कोई टीचर आपको किसी आंसर की एग्जाम में हिंदी में आंसर लिख के देगा क्या? नहीं देगा। ये जो मेथड है पढ़ाई का मेथड ही गलत है। इससे आप अंग्रेजी लिखना नहीं सीखिएगा, इससे आप खाली ट्रांसलेशन बनाना सीखिएगा। ट्रांसलेशन में हिंदी देता है ना लोग, क्वेश्चन आंसर में हिंदी देता है आपको लोग, तो ये मेथड से आप ट्रांसलेशन सीखते हैं। तो जहां ट्रांसलेशन बनाना है वहां ये मेथड सही है, लेकिन जहां अंग्रेजी लिखना है वहां ये मेथड गलत है। बात समझ में आया? मेथड पूरा गलत नहीं है, जहां ट्रांसलेशन सीखना वहां के लिए सही है। तो लेकिन ट्रांसलेशन किस एग्जाम तक आता है या कितना आता है? नौवां तक मैक्सिमम है ना। और बढ़िया स्कूल में तो नाइन्थ में भी ट्रांसलेशन नहीं आता है, सेवेंथ के बाद छोड़ दिया जाता है ट्रांसलेशन। थोड़ा खराब है तो एट तक, थोड़ा खराब स्कूल है तो एट तक, बढ़िया स्कूल में ट्रांसलेशन हो गया नहीं करता पांचवा के बाद। आप पटना में चले जाइए बड़े बड़े स्कूलों में कोई ट्रांसलेशन नहीं है, बिहार सीट में छोटा छोटा स्कूल जितना वो सब ट्रांसलेशन सिखाता है। बस समझ में आ रही है? आप पटना में चले जाइए बड़े स्कूलों में पचमों में नहीं सिखाता है, तो ट्रांसलेशन छोटे स्कूलों का मेथड है। आप यकीन नहीं होता है तो आप रिसर्च करके देख लीजिए, लोगों से पूछ के देख लीजिए। ट्रांसलेशन बड़े और बढ़िया स्कूल का मेथड नहीं है, ट्रांसलेशन उस स्कूल का मेथड है जो लो लेवल स्कूल है, जो रट्टा पर पढ़ाई कर रहा है। कोई स्कूल ट्रांसलेशन अच्छा मेथड नहीं। अगर आप लोग जूनियर बैच में हमारे आए हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, राजनंदिनी है आप ही के स्कूल की बच्ची है, गरिमा है डीएवी की है ना, कुछ बच्चे कैम्ब्रिज के हैं, कुछ अलग अलग स्कूल। जो बच्चे अच्छी अंग्रेजी सीखे हैं ट्रांसलेशन जानते हैं क्योंकि बिहार से, लेकिन जब वो अंग्रेजी लिखते बोलते हैं तो अलग लेवल होता है, वो अंग्रेजी ट्रांसलेशन करके कोई नहीं बोल सकता उसे, ठीक है। अब जरा देखिए जो हम कहना चाहते हैं आपको कि ये मेथड तब कारगर है, फिर से समझिए, जब आपको हिंदी दिया हुआ रहेगा तो आप हिंदी में देखिएगा कि ताहे तीहे लगल है, कि रहा है रही लगल है, कि चुका है चुकी है लगा हुआ है, कि ता रहा की रही लगा हुआ है, और उस हिंदी के आधार पर आप टेंस पहचानिएगा, फिर स्ट्रक्चर लगाइएगा, फिर ट्रांसलेशन। हिंदी दिया रहेगा तब, लेकिन अगर आपको अंग्रेजी लिखना है या अंग्रेजी में बात करनी है, स्पोकन इंग्लिश सीखना है, आपको कोई हिंदी देगा जवाब दो हाँ या ना, मेरा सकल मत ताको, नहीं तो हम गुस्सा के डांट देंगे, तो हम पक्का डांट देंगे। आप बात कर रहे हो किसी से, हमसे अगर आप बात कर रहे हो तो हमको आपको बोलेंगे कि देखो ये हिंदी है इसका अंग्रेजी करके हमको बोलो, ऐसे होता है? आपको खुद से सोचना पड़ता है ना, तब आप सोचते हैं तो सोचते अंग्रेजी में कि हिंदी में, या भी सोचिए रहा है कि सही में हिंदी में देता है हमको,
हम नहीं नीचे देख रहे हैं, हम आपका बात नहीं सुन रहे हैं। हम देखो हम एकदम एक्टिव दिमाग से चाहते हैं बच्चा। एक्टिव का मतलब फटफट आप जवाब दीजिए, फटफट जवाब दीजिए, ये जवाब दीजिए कि हमको पता नहीं चल रहा। एक्टिव दिमाग का मतलब नहीं कि हर सवाल का जवाब आपको आता होगा। एक्टिव दिमाग का मतलब ये है कि आपको नहीं आता तो आप फट से बोले कि हमको नहीं आता, जवाब दीजिए, ठीक है। बोली ये नियम है, हाँ एकदम मेरे क्लास का कंपलसरी नियम है, आपको मेरे क्लास में सीखना है तो आपको दिमाग से एक्टिव रहना पड़ेगा। आप ही बोलते जाइए हर सवाल में कि हमको नहीं आ रहा, बोलिए हमको नहीं आ रहा, बोलिए। एक बार भी डांट नहीं सुनिएगा, हम फटफट बताते चले जाएंगे। आप चुपचाप बैठे रहे घूम जैसा तब कुछ चीजें हाँ नहीं चलेगा, एकदम स्ट्रिक्ट नियम है इस बात। अगर आप कोई स्कूल में हमसे पढ़े तो वहां भी देखिए हम रेस्पॉन्स लेते हैं, बोलना पड़ता है बच्चों, ठीक है। यहाँ समझिए मेरी बात जो हम बोल रहे हैं स्ट्रिक्टली इस बात पर, कि आपको हिंदी कोई नहीं देता है। जिनको घड़ी देखना है, टाइम हो गया है, वो जा सकते हैं, लेकिन अभी क्लास हम 15 मिनट और चलाएंगे क्योंकि मेरा शुरुआत का टाइम वेस्ट हुआ। बस क्लास है आपका, आप सबका क्लास है, जा सकते हैं आप लोग, रुकेंगे ठीक है, कंटिन्यू कैसे करेंगे 15 मिनट, ठीक है। समझिए मेरी बात, देख लो बेटा जरा सा समझो। तो हम लोग जब भी अंग्रेजी सीखे बेटा तो ये मेन मेथड सीखे, लेकिन सिर्फ यही मेथड ना सीखो, इस मेथड से ट्रांसलेशन अच्छा हो जाएगा। लेकिन जब अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, अंग्रेजी लिखना चाहते हैं, कहीं लिखा हुआ उसको पढ़ के समझना चाहते हैं, तब एक अलग मेथड है उसके लिए। बोलिए पढ़ाइएगा। हाँ बेटा पढ़ाएंगे, हम बुलाए क्यों है जब नहीं पढ़ाना रहेगा तो यहाँ पे, हाँ कि नहीं। तो ये मेथड भी सीखना है और इसके अलावा एडवांस मेथड भी सीखना है, क्लियर है। तो इतना तो पहले आप लोग को समझ में आ गया, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है बेटा, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि जब हम बात करते हैं टेंस की, तो अब थोड़ा सा एक दो चार और आगे बढ़ा लेते हैं, उसके बाद एडवांस मेथड की बात कर लेंगे। अगर हम बोलते हैं आई टॉट इंग्लिश, अब आप देखो कि यहाँ पर आपको क्या दिखा बेटा, यहाँ पर आपको दिखा है वी टू। बोली सर पहचान नहीं पाए सर वी टू है कि क्या है, ये तो याद रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, V1, V2, V3 नहीं याद करना पड़ेगा बच्चों, तो इसको याद करेंगे, याद करेंगे तो पता चलेगा कि V2 जब भी लगता है बेटा तब इसको कहा जाता है पास्ट इंडेफिनिट। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? पास्ट इंडेफिनिट। अब ऐसा सेंटेंस का हिंदी करोगे तो उसके अंत में ताथा तिथि लगाओगे बेटा, या लगा दोगे, सिर्फ या ही ये लगा दोगे। सर बोली तो यहाँ भी लगाए थे, नहीं सर यहाँ या है लगाए थे, यहाँ क्या लगाए हैं या लगा रहा हूं, फर्क है या है और या, कितना छोटा सा फर्क है। क्या आपको लगता है कि हम लोग हिंदी बोलते लिखते समय इतना बारीकी ख्याल कर पाते हैं कि गलती कर देते हैं हिंदी में भी, कर देते हैं हिंदी में भी गलती, उतना याद नहीं रहता, किसको उतना याद रहेगा, है ना। जैसे ही आप बोलते हैं कि सर हिंदी में भी उतना याद नहीं रहता है, वैसे ही मेथड फेल हो जाता है। अगर गलती से हम इसके जगह या है बोल दिए तो हम तो इसके हिसाब से पहचान के क्या कर देंगे उसको, प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा कुछ ही वाकई में, गलती हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये ट्रांसलेशन मेथड गलती का ही मेथड है बेटा, इसीलिए एडवांस मेथड और ज्यादा जरूरी हो जाता है, राइट है। अब आइए देखिए, अगर हम बोलते हैं आई वाज टीचिंग इंग्लिश, ठीक है, आई वाज। अब देखिए बेटा इसमें आपको क्या दिखा, वाज वेयर प्लस बीफोर, हाँ है ना, ये वर्ब है, इसमें वाज वेयर प्लस बीफोर दिखा है। देखना सारे बच्चे गुस्सा तो नहीं रहे हम पर, वाज वेयर प्लस बीफोर, तब इसका नाम क्या होगा बेटा जी, इसका नाम होगा मेरे प्यारे होगा पास्ट कंटिन्यूअस। इसका नाम क्या होगा बेटा? पास्ट कंटिन्यूअस। और हिंदी में इसमें रहेगा बेटा रहा था, रही थी, रहे थे। बात समझ में आया? एक वो देख लेगा बेटा मेरा बुआ, एक देख लो बाबू प्लीज, वो सामने ही आई हैड टॉट इंग्लिश, बोलो हाँ कि ना। अब देखो इसमें क्या मिला बेटा आपको, हैड प्लस बी थ्री मिला, देखो तो हैड प्लस बी थ्री मिला, हेड प्लस बी थ्री। जैसे ही हेड प्लस बी थ्री मिल जाए बेटा, इसको कहा जाता है पास्ट परफेक्ट। क्या कहते हैं बेटा? पास्ट परफेक्ट, ठीक है। इसके हिंदी में क्या करेंगे बेटा? चुका था चुकी थी, चुका था चुकी थी, ठीक है। अब जरा देखिएगा, एक लास्ट लिख रहे हैं, गुस्सा तो नहीं रहे होंगे, इतना संभाल लीजिए थोड़ा सा। आई हैड बीन
टीचिंग, ऐसा तो नहीं ना है कि हाँ ज्यादा देर पढ़ा दिए एकदम चिड़चिड़ा गए अंदर से। नो सर, ज्यादा देर कहाँ पढ़ाए हैं, सुबह का 20 मिनट गया है उसी को खाली मेकअप कर रहे हैं, राइट? तो बताइए वर्ब इसमें क्या है, हैड बीन टीचिंग है कि नहीं, क्या है वर्ब इसमें, हैड बीन प्लस बिफोर वर्ब। अब हैड बीन प्लस बिफोर रहेगा ना बेटा, तो इसका नाम होगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसका नाम क्या होगा बेटा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। और इसका हिंदी में रहेगा प्यारे बच्चों, ता रहा था पी रही थी। लेकिन ये मेथड बता भी रहे हैं हम और कह रहे हैं कि अच्छा मेथड भी नहीं, तो बोले सर फिर बता कह ले रहे हैं सर, ताकि कम से कम बेसिक पकड़ तो हो जाए कि उसमें कंफ्यूजन ना रहे, कि स्ट्रक्चर जैसे ही देखो पट से टेंस का नाम बोल, इतना तो पता चल जाएगा इससे। देखो बेटा बता देते हैं, दुनिया में कोई भी चीज कंप्लीटली यूजलेस नहीं होता। बोलिए कहीं से, बंद घड़ी भी 24 घंटा में दोबारा सही टाइम बता देता है, एग्जांपल है कि नहीं है? तो यूजलेस से यूजलेस चीज में से भी अच्छा चीज निकाला जा सकता है। तो ये ठीक है मेथड अच्छा नहीं है, लेकिन इसका इतना तो फायदा है कि ये वाला लिख जाएगा तो टेंस वाला पहचान लेंगे, है ना? या हिंदी दिख जाएगा तो मोटा मोटी टेंस वाला पहचान लेंगे इससे। इसमें गलती हो सकता है लेकिन मोटा मोटी तो सही हो जाएगा ना। अब जरा सा देखिएगा हम, हाँ बोलिए बेटा, वही आ रहा है, वही वाला आ रहा है, उसी पर आ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे। देखिए हमने लिखा वह पटना गया है, एक सेंटेंस ये है बेटा, ठीक है? और एक सेंटेंस हमने पूछा था वह कल पटना गया है, है ना? अब हम ट्रांसलेशन मेथड को छोड़ देंगे, अब हम आ जाएंगे रियल मेथड पर अंग्रेजी सीखने के, ठीक है? जिससे कि अंग्रेजी आप सीख सकिए। किस लिए? अंग्रेजी बोलने के लिए, लिखने के लिए, और ग्रामर भी, ग्रामर भी, कोई मैया का लाल नहीं मिलावे वाला, ठीक है? देख अब इसमें या है लगल है, इसमें भी या है लगल है। अब मास्टर साहब इधर हमको पढ़ा दिए हैं कि या है लगल रह जाए, देखो या है लगल रह जाए तो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट। और उसका स्ट्रक्चर क्या होगा भाई साहब, हैज प्लस बी थ्री। अब ये देख करके कोई बच्चा इसका बना देगा ही हैज गॉन टू पटना, और इसका बना देगा ही हैज गॉन टू पटना यस्टरडे। ये किसके कारण? अभी गलत है, पहला का तो सही है, चलिए ये वाला तो भाई साहब सही है, लेकिन ये वाला भाई साहब क्या है, गलत है भाई साहब। बोले कैसे? देखिए बेटा ये दोनों बात अच्छे से गौर कीजिएगा, ये भी बीते हुए समय का बात है और ये भी बीते हुए समय का बात है, पास्ट का काम है, हाँ ना बोलो? गया है मतलब अभी गया है, कि जाए के काम खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया तो पास्ट का काम हुआ कि नहीं हुआ, और ये भी कब का काम हुआ, पास्ट का काम हुआ, लेकिन इसमें पास्ट का टाइम भी दिया हुआ है, हाँ या ना बोलो? इसमें पास्ट का टाइम है, पास्ट टाइम नहीं दिया है, नहीं दिया है। तो समझो कि अगर पास्ट का काम रहे लेकिन पास्ट टाइम नहीं दिया रहे तब टेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट, हिंदी जो भी रहे, उनको हिंदी से मतलब नहीं, टेंस कौन सा होगा बोलो ना जल्दी से बुआ, प्रेजेंट परफेक्ट। आई पास्ट का टाइम दिया हुआ है अब प्लस पास्ट का काम है, पास्ट का टाइम भी दिया हुआ है, तब बेटा ये टेंस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट, चाहे हिंदी में या है लगल रहे चाहे कुछ हो लगल रहे, इसके मतलब नहीं है। अब बताओ कि सेंटेंस में ये लिखना सही है कि गलत है? पास्ट इंडेफिनिट है जैसी ही, वैसी ही यहाँ पर क्या होना चाहिए, भी हो, तो भी तो होना चाहिए, तो यहाँ क्या होना चाहिए? अब सही है, सारा बच्चा मेरा सीख पा रहा है, है? आप खड़े खड़े दो टेंस सीख गए, कौन सा टेंस सीख गए, पास्ट इंडेफिनिट आओ प्रेजेंट परफेक्ट, कि दोनों पास्ट का है लेकिन एगो में टाइम नहीं देवल है, एगो में टाइम है, आया ना बोलो, वाह 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 भाई साहब, भाई
हुआ बात हो जाए है? चलो आज को ये चाहिए करें आज। तो देखो आपने जो अभी बचपन से पढ़ाया, जो हमने अभी आपको पढ़ाया बेटा कि प्रेजेंट परफेक्ट का पहचान है या है ही है, अब पास्ट इंडिफिनिट का ये पहचान है, ये पहचान दोनों यहाँ पर फेल हो गया कि नहीं हो गया, सिचुएशन काम आया कि नहीं काम आया। तो यही सिचुएशन का मेथड ही एडवांस मेथड है, जो पहचान का मेथड है। बोलो इस तरह का गलती अधिकतर आदमी हिंदी में कर देता है कि नहीं कर देता है? कब हिंदी के पहचान से चलोगे तो टेंस गड़बड़ अंग्रेजी में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसीलिए हम कहते हैं कि जो हिंदी ट्रांसलेशन वाला मेथड है ना, छोड़ दो, एक बेसिक तक सीखो, उसके बाद उसको साइड करो, उसको लेके मत चलो आगे तक। आगे तक चलना है तो ये वाला मेथड लेके चलो, मेरा वाला एडवांस में। नहीं समझा पाए गुस्सा कर रहा है मेरे के संबंध में, नहीं ना? हमको डर इसलिए लगता है क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम में पढ़ा रहे हैं, तो सबको तो एकदम लगता होगा कि अब 10 मिनट ज़्यादा हो गया छोड़ दीजिए सर, तो बस एक चीज़ आओ पढ़ा दे तो हम छोड़ देंगे, यकीन मान, ठीक है? मज़ा आ जाएगा, नहीं मज़ा आ जाए तो तू कर देना, ठीक है? मज़ा ला देंगे एकदम पक्का। वह पिछले सप्ताह पटना गया है, वह इस सप्ताह पटना गया है, खाली हमको बता दो दोनों का टेंस बता दो। दोनों पास्ट इंडेफिनिट है ना? ऋषु आप बताओ बेटा, ऋषि शाबाश, अनिश शाबाश बेटा, मन गदगद कर दिया, मन गदगद कर दिया। देखो कैसे ये बिटिया रानी जबरदस्त दिमाग के, उसका दिमाग बहुत शार्प है। ये क्वेश्चन का जवाब खाली क्वेश्चन का जवाब नहीं है, इसको पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर हो रहा है। पूछो कैसे हम समझाते हैं, ये बोले कि हाँ सर ऐसे ही सोच लेते हैं, है ना बेटा? देखो जैसे ही तुम यहां देखते हो पास्ट का काम है कि नहीं है, सोच के देखो पहले, पास्ट का काम है। और ये पिछला सप्ताह टाइम भी कब का है बेटा? पास्ट का टाइम है। और जब ये दोनों कॉम्बिनेशन बन गया तब कौन सा टेंस कहलाएगा? पास्ट इंडेफिनिट। ये कॉम्बिनेशन इसने गौर किया है ना, आप लोगों ने भी कॉम्बिनेशन गौर किया था, राइट है कि रॉन्ग है? आप लोगों ने जो गलती किया यहाँ गलती किया, ये पास्ट का काम है, पास्ट का काम है, लेकिन टाइम कब का है भाई साहब? इस सप्ताह, मतलब प्रेजेंट टाइम है। इसमें टाइम नहीं था, इसमें टाइम है लेकिन प्रेजेंट में कनेक्शन है ही, कनेक्शन है ना। इसका मतलब पास्ट का काम, इसमें पूरा सिचुएशन यहाँ पे लिखे हम जैसा कि नहीं लिखे, जैसा बोलो लिख दें, पास्ट का काम है, पास्ट का काम है, पर इसका कनेक्शन प्रेजेंट टाइम से है या प्रेजेंट से है, कनेक्शन प्रेजेंट या प्रेजेंट टाइम से है कि नहीं है, बोलो ना। तब इस कंडीशन भी में भी ये सिचुएशन रहे तो भी बेटा इसका नाम होगा प्रेजेंट परफेक्ट। अब आपको याद होगा बेटा कि पास्ट इंडेफिनिट रहता है तो वी टू सूचे होता है और इसमें हैज है प्लस वी थ्री होता है। बताइए इस सिचुएशन जिसको नहीं पता है खाली हिंदी देखेगा तो गड़बड़ कर देगा कि नहीं कर देगा, है? अब बताइए तो इसका अंग्रेजी क्या बनेगा बेटा, बता दीजिए जल्दी से। इसका ही वेंट टू पटना लास्ट वीक, है ना? और इसका क्या हो जाएगा, ही हैज गॉन टू पटना, नहीं दिस वीक ना बेटा जी, हाँ कि ना? अब बताओ अंशिका, ये वाला मेथड ज्यादा मजेदार क्यों वाला मेथड? ये वाला सबको, ये वाला मेथड ज्यादा मजेदार लगेगा, इसमें दिमाग पे लोड कम रहता है, आप देख के ही सब कुछ क्लियर कर सकते हैं, याद रखने का लोड बहुत कम ना के बराबर, है ना?
बेसिक तो याद रखना पड़ेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट है तो ये स्ट्रक्चर होगा, तो बस इतना याद रखना पड़ेगा। लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट है कि पास्ट इंडेफिनिटिव पहचानना इससे ज्यादा सटीक हो जाता है। हाँ कि ना? Yes. तो आपने बेटा आज दो टेंस सीखा, कौन कौन सीखा बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिटिव, है ना। अच्छा एक सेंटेंस और मुझवानी प्रैक्टिस करो, ठीक है? बोले एका गो करके खाली पेड़ ले रहा, ठीक है, उसने कल से कुछ नहीं खाया है या उसने कल से कुछ नहीं खाया था, दोनों में से ये दोनों का टेंस बता दीजिए। इन्होंने कहा पास्ट में, आप लोग क्या बोलते हैं? कल से कुछ नहीं, उसने कल से कुछ नहीं खाया है, खाया है। आप बोलिए बेटा, उसने कल से नहीं खाया था, पास्ट में। आप बोलिए बेटा, नहीं पता चल रहा, कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। देखिए नहीं खाने का काम तो पास्ट में हुआ, लेकिन कल से नहीं खाया है मतलब अभी तक नहीं खाया है, तो पास्ट का काम, लेकिन कनेक्शन प्रेजेंट से भी है, तो कनेक्शन प्रेजेंट से हो गया तो कौन सा टेंस है ना? क्या समझ में आया? तो प्रैक्टिस थोड़ा तो करना पड़ेगा परफेक्ट होने के लिए, पर कि गलतियां कम हो जाए, है ना। बोले कौन करेगा? हम करेंगे। हाँ कि ना, अब आज के लिए इतना ही पे छोड़ दीजिए, ये चला जाएगा चैनल पे, है ना, मैसेज कर दीजिएगा, चैनल का लिंक दे देंगे ताकि वहाँ पर से आप नोट्स बना लीजिए। बोले हम कहाँ में लिख के देते हैं बेटा? नहीं लिखता है तो पूरा ध्यान से समझते हैं कि नहीं समझते हैं, बेटा नोट कर लीजिए, ठीक है। आज के लिए छोड़ दें बेटा, क्योंकि शुरुआत से पढ़ा ही दिए हैं तो इसी टाइम में आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना, शुरुआत से पढ़ा ही दिए फिर इसी टाइम, कोई दिक्कत है?